हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? पीछे से बाइक जा रही है इसलिए जो बैकग्राउंड साउंड है उसको इग्नोर कर देना। सो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है कितनी अच्छी जगह से। ये देखिए पीछे, आज मैं जा रहा हूँ राइड पे, जो मैं बहुत दिन से सोच रहा था। ज़्यादा दूर की नहीं है लेकिन इतने दिन से सोच रहा था। बोले ना, जब भगवान बुलाते हैं तभी जाते हैं उनके पास। तो आज मेरा बुलावा आ गया है। मैं जा रहा हूँ कहाँ? बरसाना राधा रानी के मंदिर में। और मेरे साथ पता है कौन है? ये देखिए अभय। एक्चुअली ये क्या, जयपुर से आया था कल रात को। इसकी बाइक खड़ी है, अपाचे 200 बाइक से ही आया है जयपुर से। इसको राइड करनी थी एक मेरे साथ और मुझे भी इसके साथ। तो हमने सोचा क्यों ना एक राइड शॉर्ट सी बना ली जाए। तो हम जा रहे हैं बरसाना। और ये रात को ही आया था, सुबह फिर चल दिया राइड पे मेरे साथ। तो अभी हम खड़े हुए हैं बरसाना और कुम्हेर के बिल्कुल मिडिल में। मैंने सोचा कि अपनी ब्लॉग की शुरुआत यहीं करता हूँ। नोटो ब्लॉग मैंने की नहीं है क्योंकि मेरा जो माउंट है ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने मोटो ब्लॉगिंग नहीं की। हालांकि मेरे पास 360 कैमरा है, उससे मैं मोटो ब्लॉगिंग ज़रूर करूँगा। और अब चलते हैं आगे। तो दोस्तों 30-40 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद मैं और अभय दोनों पहुंच चुके हैं राधा रानी के गांव बरसाना। बरसाना राधा रानी के मंदिर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों से है और दूसरा पहाड़ वाला रास्ता है। तो हम दोनों ने पहाड़ वाला रास्ता चुना क्योंकि सीढ़ियों से हमें पैदल चलना पड़ता और पहाड़ वाले रास्ते से हम बाइक लेके राधा रानी मंदिर तक पास तक पहुँच जाते हैं। तो हम दोनों निकल लिए हैं पहाड़ वाले रास्ते से। बरसाना और बाइक हमने पार्क कर दी है पार्किंग में। सेफ खड़ी रहना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों बाइक अपनी खड़ी हुई है पार्किंग में और हमेशा की तरह बैग हाथ में लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि अंदर जाना अलाउ तो है लेकिन जगह नहीं है, कहाँ रखे जाएं। तो चलते हैं अंदर और आपको दर्शन कराते हैं और खुद भी दर्शन करते हैं राधा रानी के। ऐसे ही लगभग लगभग 1 किलोमीटर है, हैं 1 किलोमीटर आराम पे चलते 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 पैर थक जाते हैं, फिर अंदर जूते उतारने जाते। बिल्कुल कार लाना इसलिए बेस्ट रहता है कि आराम से जूते उतारो उसमें और चल दो। तो चलते हैं अंदर और रास्ता देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी भीड़ होने लग गई है। मैं पिछली बार आया था ना, बिल्कुल भीड़ नहीं थी यहाँ पे, बिल्कुल भी किसको बोलते हैं। सो दोस्तों बैग तो हमने अपने रखवा दिए और ये देखिए यहाँ पे हमने बैग रखवा दिए हैं। और ये अभय की है और ये मेरी है छोटी सी, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। चलते हैं अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। बाइक पे चलते हैं ना तब तो लगता है कि ठंडा मौसम है, लेकिन अब ये क्या हो गया। तो ये भैया हैं जिनकी दुकान पे हमने ये बैग रखे हुए हैं अपने। तो दोस्तों पार्किंग से लगभग 1 किलोमीटर है मंदिर, तो पैदल पैदल जा रहे हैं अंदर। वैसे बाइक से अलाउ है लेकिन लोकल्स को ज़्यादा अलाउ करते हैं, जो बाहर से आता है उसको अलाउ नहीं करते। बहुत बाइक आ रही हैं, हमने सोचा कि हम क्यों लड़ें। तो आराम से जा रहे हैं और आराम से आ जाएंगे क्योंकि लड़ना अब बिल्कुल बंद कर दिया है। तो चलते हैं आगे। बस थोड़ी सी दूर और है मंदिर, आ गया। ये मंदिर है अपना, ये देखिए, ये दिख रहा है ना ऊपर ध्वज, ये मंदिर है। तो पहुंच गए आराम से, एंट्री है और एग्जिट आगे से है। टाइम जब मैं आया था ना तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई भी दुकान वकान कुछ नहीं, और अब जगह 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 दुकान हो गई है। सो भाई जा रहे हैं,
धीरे 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 मंदिर तक पहुंच रहे हैं, और जैसे जैसे मंदिर पास आ रहा है ना, वही पॉजिटिव फीलिंग जो होती है मंदिर वाली, वो आती जा रही है बहुत अच्छे तरीके से। ग्रेनाइट लगा हुआ है जो धूप से बहुत गर्म हो गया है, तो चलने में भी पैर जल रहे हैं। ये देखिए आप पहुंच गए हैं अंदर, मतलब पहुंच गए हैं हम बिल्कुल एंट्री पे, मंदिर की एंट्री पे पहुंच गए हैं बिल्कुल। ये है एंट्री अंदर जाने के, लेकिन अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है इसलिए मैं रख रहा हूँ फोन को। सो भाई ये देखिए कितना बड़ा महल है राधा रानी का, बस इस यहाँ पे आके इसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो, मैं आपको और दिखाता हूँ पास से। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा बरसाना बसा हुआ है, इतने ऊंचे बह राधा रानी का महल। तो दोस्तों गर्मी आज बहुत है और यहाँ तो जाया नहीं जा रहा है, इस जगह पे पैर जल रहे हैं बहुत तेज, तो हम अंदर आ गए हैं यहाँ पे और मजे से ही एकदम, यहाँ ठंडा लग रहा है मौसम थोड़ा सा अंदर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है ना ऊंचा, तो ठंडक भी ज्यादा है और भीड़ तो हर मंदिर में बहुत होती है और यहाँ भी बहुत है। सो भाई आ चुके हैं दर्शन करके वापस, और ये देखिए पीछे आपको दिख रहा होगा ऊपर महल, बस अब वापस जाएंगे घर पे, क्योंकि अपने को क्या है दुकान पे भी टाइम से पहुंचना है, तो दर्शन भी हो गए, थोड़ा लेट हो गए आने में, लेकिन कोई नहीं हमें दर्शन करने थे इसलिए हम आ गए, तो अब चलते हैं वापस, पहले कुछ खाएंगे और फिर चलेंगे वापस घर। सो दोस्तों चलते हैं, ये खड़ी अपनी बसंती, मैंने अपनी बाइक का नामकरण कर दिया है, इसका नाम रख लिया है बसंती। ये है अपनी बसंती जो अब हम इसको लेके चलते हैं, क्योंकि दुकान पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है टाइम से। टाइम हो गया है 11:37, लगभग डेढ़ घंटा लगेगा घर पहुंचने में, तो चलते हैं। अपनी बाइक भी तैयार है, अपनी बसंती भी तैयार है, और सामान भी अपना सेट कर लिया है मैंने, तो चलते हैं गोवर्धन। और ये देखिए अपना नाश्ता है पूरी सब्जी और लस्सी ऑर्डर करी है हमने, अब खाते हैं और निकलते हैं घर सीधा।